नेचर में वक्त गुजारना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर बहुत अच्छा और मुफीद असर होता है। नेचर मतलब आप परिंदों को उड़ते हुए देखते हैं या उनकी आवाज़ को महसूस करते हैं, आप पहाड़ों पर जाते हैं और वहाँ कुछ वक्त गुजारते हैं, या आप सनराइज़ या सनसेट का व्यू करते हैं, या आप समंदर पर जाते हैं और वहाँ समंदर की लहरों को महसूस करते हैं, वहाँ कुछ देर वक़्त गुजारते हैं, वहाँ बैठते हैं, वहाँ चाय पीते हैं, या आप दरख्तों के झुरमट में जाते हैं, या आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ आपके इर्द गिर्द सब्ज़ा ही सब्ज़ा, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। सो ये हमारी जहनी सेहत, ना सिर्फ जहनी सेहत बल्कि हमारी जिस्मानी सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। और मुख्तलिफ स्टडीज़ से ये पता चलता है कि जो लोग बाकायदगी से अपना कुछ वक्त नेचर के करीब गुजारते हैं, नेचर में गुजारते हैं, तो उन लोगों का मूड अच्छा रहता है, उनको कभी स्ट्रेस नहीं होता, उनको एंगजाइटी नहीं होती, वो कॉन्फिडेंट महसूस करते रहते हैं, वो अपने एंगर को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, वो अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से लेकर चलते हैं। और अगर अगर अनफॉर्चुनेटली किसी भी शख्स को कोई एंगजाइटी डिसऑर्डर या कोई डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो जाता है, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि वो लाजमी अपना कुछ वक्त नेचर में कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए गुजारें, यानी नेचर भी हो और वहाँ कुछ एक्टिविटीज़ करें। सो इससे उनको अपनी एंगजाइटी की मैनेजमेंट और उस डिप्रेसिव डिसऑर्डर की मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।